बबीना थाना परिसर में मंगलवार को सीओ सर स्नेहा तिवारी और खंड विकास अधिकारी बबीना राम अवतार सिंह थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी की संयुक्त अध्यक्षता में बकरीद पर्व को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने पर जोर दिया। थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी ने कहा कि थाना क्षेत्र में किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों व अन्य किसी पर भी तरह शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। बकरीद के दिन क्षेत्र के सभी ईदगाह व मस्जिदों में ईद उल अजहा बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। इस नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग अगला बकरा की कुर्बानी दी जाएगी। इस दौरान किसी भी तरह के अफवाह या शरारती तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रखी जाएगी। सीओ सदर स्नेहा तिवारी ने सभी लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की अपील की। इस मौके पर चौकी प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ये भी मुझे याद आ रहा है। इस बार का ये 8 वेन्यूज हैं हमारे, जैसा मैंने पढ़ लिया था, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। जरा मुझे संख्या बता दीजिएगा एक अनुमानित कि कितने कितने लोग नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे कि रिचरियन ईदगाह पे लगभग कितने लोग रहते हैं? 2000। और टाइम कहाँ कहाँ क्या रहेगा ये भी जरा नोट करा दीजिए, नोट करके चलिएगा। समय क्या क्या रहेगा नमाज का? एक समय हर जगह पर अलग अलग रहेगा ना। रिचर्चर का नोट कर लीजिए, सुबह 8:30 बजे 2000 लोग। जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।